हरे कृष्णा, मैं भुवन सुंदरी राधा देवीदासी गोविंदास क्यूजिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्नैक्स किसको पसंद नहीं होते हैं। जब भी हम स्नैक्स के बारे में सोचते हैं, बहुत सारी वैरायटीज होती है और हमने बनाई भी है। आज हम बहुत ही पॉपुलर और बहुत सारे लोगों का फेवरेट भी है, तो हम आज नाचोस बनाएंगे। हम बहुत बार बाहर के जो पैकेट्स आते हैं नाचोस लेने का सोचते हैं, मगर उसमें ऑनियन गार्लिक रहता है तो हम ले नहीं पाते हैं। मगर आज हम बिना ऑनियन गार्लिक का मसाला और जो नाचोस के लिए यूज़ करेंगे उसके साथ सालसा और चीज़ सॉस भी बनाएंगे। यह जो नाचोस है वह मैक्सिकन डिश है और वहाँ इसे मेन डिश में सर्व किया जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने 1 + 1/4 कप मक्की का आटा लिया है। जो पीले कलर का आटा आता है वही हम इस्तेमाल करेंगे, कॉर्नफ्लोर नहीं। अब यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली है, उसमें 1 कप पानी हम गरम करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 टीस्पून ओरिगानो और 1/4 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हमें बॉईल करना है, एक उबाल आने देना है। अभी आप देख सकते हैं पानी उबल रहा है। हमने जो मक्की का आटा लिया था 1 + 1/4 कप, अब हम इसमें डालेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसे हमें लो फ्लेम पर ही रखना है अभी, और आटा और पानी जो है वह अच्छे से मिक्स कर लेना है। पूरा आटा जैसा तो नहीं बनेगा जैसे हम डो बनाते हैं, मगर अच्छे से वह मिक्स हो जाएगा। ऐसे ही हम पूरा मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह थोड़ा क्रम्बल रहेगा, यह रेडी है। हम स्टोव को बंद कर देंगे और इसे ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। तब तक हम नाचोस का मसाला बना लेंगे। यहाँ पर पैन लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून हमने साबुत धनिया लिया है, 1 चम्मच जीरा, और अब इन दोनों चीज़ों को हम रोस्ट कर लेंगे। लाइटली रोस्ट करना है थोड़ा सा। इस रेसिपी में इस्तेमाल की गई सारी सामग्री की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यह हल्का सा रोस्ट हो गया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून ओरेगानो, स्टोव को बंद कर देंगे, 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 1 टेबलस्पून यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लेंगे। स्टोव बंद है और हमें इसे इसी तरह, पैन गरम है तो इसमें ही सब कुछ रोस्ट हो जाएगा। हमें स्टोव ऑन करके करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो जो मसाले हैं वह जल जाएंगे, वो पैन की हीट से ही सब रोस्ट हो जाएगा। अब हमने वो मसाला मिक्सी जार में ले लिया है, ठंडा हो गया है, और इसे हम पाउडर बना लेंगे। ग्राइंड कर लिया है, आइए चेक करते हैं। हमारा जो नाचोस मसाला है वह बिल्कुल रेडी है। यह बहुत ही टेस्टी और टेम्प्टिंग लगता है। 10 मिनट हो गई है और यह जो हमारा मिक्सचर है उसे हम मिक्सिंग प्लेट में ले लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 5 टेबलस्पून 5 बड़ी चम्मच यहाँ पर मैंने मैदा लिया है वह डालेंगे। अब हम इस मिश्रण को मिक्स करेंगे। पूरा हमें अच्छे से मिक्स करना है आटा जैसा। हमेशा मेज़रमेंट्स पक्का ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर 5 टेबलस्पून मैदा लिया है तो हमें ना ज़्यादा लेना है और ना कम।
इसमें हम पानी नहीं मिलाएंगे। इसी तरह आटा को हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे, हमें पूरा स्मूथ नहीं गूंदना है मगर ऐसा मिक्स कर लेना है। आटा हल्का मिक्स कर दिया है, अब यहाँ पर मिक्सी जार लिया है, उसमें हम थोड़ा सा आटा लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसे हमें आधी मिनट ही हमें मिक्सी चलाना है, आटा हमारा स्मूथ हो जाएगा। अभी हम चेक करेंगे, आप देख सकते हैं यह बिल्कुल इजी प्रोसेस है, नहीं तो हमें 15 मिनट तक हमें आटे को मसलना पड़ेगा, मगर इससे आटा जल्दी ही स्मूथ हो जाएगा। हम यह मिक्सिंग बाउल में निकाल देंगे और सारा आटा इसी तरह हम ग्राइंड कर लेंगे। मैंने सारा आटा कर लिया है, रेडी है। अब हम आटे को गूंद लेंगे। अब इसे एक ही मिनट लगेगी हमें आटा स्मूथ करने में, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे ग्राइंड कर लिया है। यह बहुत ही जल्दी बन जाता है, आप देख सकते हैं आटा बिल्कुल रेडी है। अब हम इस आटे से लोए बनाएंगे। आप जितना चपाती बड़ा बेल सकते हो वह हिसाब से हमें लोया बनाना है, बिल्कुल इसी तरह, और इससे हम सारे लोए बना लेंगे। सारे लोए बनकर रेडी है, मैंने 7 बनाए हैं। यहाँ पर एक लोया ले लिया है और इस पर हम मैदा छिड़केंगे। अच्छे से डस्टिंग करना है मैदा से, ताकि हम जब नाचोस को निकालें तब वह चिपक ना जाए और अच्छे से बाहर आ जाए। एक बड़ी पतली चपाती करनी है इससे, बहुत ही पतला नहीं, मीन्स ट्रांसपेरेंट नहीं दिखना है, मगर ज़्यादा पतला भी नहीं और मोटा भी नहीं। और एक बड़ी चपाती बना लेंगे, आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है। अब साइड से हम इसे कट कर लेंगे, चारों साइड से। अब निकाल देंगे उसे। अब हम इसके 3 पीसेस करेंगे और इसे हम ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो चाकू की मदद से भी कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान है, बिल्कुल इसी तरह हमें सारे नाचोस कट करने हैं। यह नाचोस बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाते हैं। यह बिल्कुल रेडी है और इसमें साइड के जो है वो हम निकाल देंगे और उसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फोक की मदद से हम उस पर होल बना लेंगे, ताकि वह फूल ना जाए और ऐसे फ्लैट ही हम इसे फ्राई कर पाए। अब हम सारे नाचोस को प्लेट में ले लेंगे और दूसरे लोए भी इसी तरह बेलकर हम नाचोस को रेडी करेंगे। पर हमने सारे नाचोस बना लिए हैं, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तेल को हमने पहले ही गरम करने रख दिया था दूसरी साइड पर, अब नाचोस को हम इसमें डालेंगे। आप देख सकते हैं अगर आपने मैदा का डस्टिंग ठीक से किया है तो नाचोस बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं और खुले खुले इसी तरह से वह फ्राई भी होंगे। इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, हाई फ्लेम रखेंगे तो कलर ब्राउन हो जाएगा और ऐसा गोल्डन कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। यह बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे निकाल देंगे और बिल्कुल इसी तरह सारे नाचोस हमें फ्राई कर लेने हैं।
आप देख सकते हैं उसका परफेक्ट कलर। यहाँ पर मैंने दो बैच फ्राई किए हैं और हमने जो नाचोज मसाला बनाया था वह हम इसमें डालेंगे, क्योंकि जब नाचोज गरम या थोड़े ऑयली रहते हैं तभी मसाला अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो दो दो बैच करके हमें उसमें मसाला डाल देना है। आपके हिसाब से आप मसाला डालिएगा। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाऊंगी ताकि पता चलेगा कि कितने क्रिस्पी और कुरकुरे हैं। अब नाचोस के लिए हम सालसा बनाएंगे। मिक्सिंग बाउल लेंगे और मैंने दो चॉप्ड टमाटर लिए हैं, टमाटर को बारीक काट लिया है, और आधा कप मैंने चॉप्ड कैबेज ली है, 1/4 कप बॉयल्ड स्वीट कॉर्न लिए हैं और एक हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, 2 बड़े चम्मच बारीक काटा हुआ धनिया लिया है। इसमें हम आधे नींबू का रस डालेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक डालेंगे। हमने जो मसाला रेडी किया था नाचोस का वह हम आधा चम्मच डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। यह बहुत ही अच्छा और इंस्टेंट सालसा है, आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं और नाचोस के साथ तो बहुत ही बढ़िया लगता है। अब यह बिल्कुल रेडी है, हम इसे नाचोस के साथ सर्व करेंगे। यह हमारा लास्ट रेसिपी है चीज़ सॉस। वह बनाने के लिए 1 चम्मच हम बटर लेंगे। बटर जल ना जाए इसीलिए हम 1 चम्मच तेल भी डालेंगे इसमें और मेल्ट होने देंगे बटर को। अब यह मेल्ट हो चुका है, हम इसमें 1 टीस्पून मैदा डालेंगे और इसे हमें लाइट ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। कच्चा नहीं रहना चाहिए, लो फ्लेम पर हमें इसे रोस्ट करना है। आप देख सकते हैं रोस्ट हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 कप दूध डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे लो फ्लेम पर। अच्छे से मिक्स करना है, लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हमें ऐसे ही सर्व करना है, गरम ही। यहाँ पर हमने 1 चीज़ क्यूब लिया है, मैंने अमूल का चीज़ क्यूब लिया है, उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था, और इसे मिक्स करेंगे और चीज़ मेल्ट होने तक हम इसे चलाएंगे। आप चाहे तो कोई भी वेजिटेरियन चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब यह हमारा चीज़ सॉस बिल्कुल रेडी है। अब हम स्टोव को बंद कर देंगे और नाचोस के साथ हम इसे सर्व करेंगे। नाचोस विद सालसा एंड चीज सॉस बिल्कुल तैयार है। तुलसी पत्र रखकर हम भगवान जगन्नाथ जी को भोग अर्पण करेंगे। भगवान जी को भोग लगा दिया गया है, आप भी इसे घर में बनाइए, भगवान जी को अर्पण कीजिए और प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। अगर आपको भोगा रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि भोगा रेसिपीज आपको मिलती रहे। हरे कृष्णा।